नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज हम करने जा रहे हैं कोविड टेस्टिंग लैब से रियलिटी चेक। जी हां, पैथोलॉजी रिपोर्ट की डिस्कवरी। 10 की डिस्कवरी में हम आपको देश की सबसे बड़ी जीनोम टेस्टिंग लैब से लेकर सबसे बड़ी रिसर्च एजेंसीज तक से ग्राउंड रिपोर्ट ला चुके हैं। और अब कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं और नई कोविड टेस्टिंग गाइडलाइन में राहत के बाद भी कोरोना का वायरस हम सबको कोरोना टेस्ट कराने के लिए मजबूर कर रहा है। इसलिए आज 10 की डिस्कवरी में हम बताएंगे कि कोविड टेस्टिंग लैब में आखिर कैसे कैसे कोरोना वायरस का पता लगाया जाता है। तो आज देखिए कोविड टेस्टिंग लैब से पैथोलॉजी रिपोर्ट की डिस्कवरी। कोरोना लैब में क्या होता है, कोरोना टेस्ट कैसे होता है, डॉक्टर साहब के साथ हम चलेंगे अंदर उस लैब में, आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से इस सैंपल को टेस्ट किया जाता है। सैंपल कलेक्शन से आरटीपीसीआर की प्रक्रिया तक सब समझिए। ये आरटीपीसीआर टेस्ट की लोगों के मन में कई बार जांच को कराने को भी लेके थोड़ा सा भय है कि किस तरह से टेस्ट होता है। लैब टेक्नीशियन बताएंगे, कोरोना को ढूंढना सिखाएंगे। हम एक बार में 96 सैंपल प्रोसेस करते हैं, तो उसमें हमारे कुछ कंट्रोल्स भी होते हैं। ये कोविड टेस्टिंग लैब से पैथोलॉजी रिपोर्ट की डिस्कवरी है। इससे पहले 10 की डिस्कवरी में आप देश की सबसे बड़ी लैब से कोरोना टेस्टिंग की तकनीक को जानने और समझने वाली ग्राउंड रिपोर्ट देख चुके हैं। लेकिन आज हम आम जनता से डायरेक्ट जुड़े लैब के अंदर दाखिल होंगे और दिखाएंगे कि आपके घर के नजदीक वाले लैब में जब कोरोना का सैंपल लिया जाता है तो लैब टेक्नीशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट कैसे पता लगाते हैं कि यह सैंपल कोविड पॉजिटिव है या नहीं। आज के 10 के डिस्कवरी में आपको कोरोना लैब का हर कमरा, हर मशीन और कोविड टेस्टिंग के दौरान की पूरी प्रक्रिया लाइव दिखाएंगे। पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों में एक बारगी लगातार उछाल देखा जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो 24 घंटे में महज 20,000 से ज़्यादा मामले सामने आए और 7 लोगों की मौत हुई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आंकड़ों में कमी कब आएगी, लोग डरे हुए हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं डायरेक्ट लैब से वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिससे कि आप आसानी से आए लैब में और आसानी से आप अपना टेस्ट करा सकते हैं। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ एक्सपर्ट भी रहेंगे, वो सारी जानकारियां हमें साझा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब के ठीक सामने। ये सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, किस तरह से, ये पहला प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर को यहाँ पर आप फॉलो करेंगे। जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो एक एक करके लोगों से उनकी सारी जानकारियाँ लेते हैं और जानकारी लेने के बाद वो फॉर्म में फिलअप होता है। पैनिक सिचुएशन है, लोग डरे हैं, नाइट कर्फ्यू हुआ, उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू, अब लोग टेस्ट कराने के लिए भी पहुँच रहे हैं। क्या आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है लगातार टेस्टिंग को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा देखिए आपने बताया, एक तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे शुरुआती दिनों के अंदर, जब वेव वन थी हमारी, उस समय लोगों के अंदर काफ़ी एक स्टिग्मा था टेस्ट को लेकर कराने के लिए। पर अब हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह के कोई लक्षण होते हैं जैसा आपने बताया, तो जाँच करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो किस लिए है, क्योंकि इस बार जो हम ओमिक्रॉन की बात करें, ये बहुत ज़्यादा संक्रामक है और इसका संक्रमण भी बहुत तेज़ी से फैलता है। इसलिए जांच करा के एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा कि आपको संक्रमण है कि नहीं और आप अपने आप को आइसोलेट कर सकें। आज जो हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये आरटीपीसीआर टेस्ट की, लोगों के मन में कई बार जांच को कराने को भी लेके थोड़ा सा भय है कि किस तरह से टेस्ट होता है, क्या बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है वहाँ पर, क्या प्रक्रिया रहती है, वही हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से शुरुआती इधर आए तो वो अपना ऑन साइट आके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना, आप वॉक इन आएँ अपना, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म दिया जाता है जिसको आप भर सकते हैं, नहीं तो जो यहाँ पे
कर्मचारी वो भर सकता है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपका नाम, आपका एज या आपको कोई लक्षण वगैरह है कि नहीं, वो इस तरह की कुछ चीज़ें उस फॉर्म के अंदर भर देते हैं। भरने के बाद फिर यहाँ पर दे दिया जाता है। ये वाला आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। आपके पास फॉर्म भी है, थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहें क्या कुछ जानकारियाँ फिलअप करनी पड़ती हैं, क्या आप लोग मांगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत अधिक वैसा ज़्यादा आपको कोई डिटेल नहीं भरनी, जैसे जिस तरह से और किसी भी जाँच के लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, नाम, एज वगैरह, बस सिर्फ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी कुछ हमने इसमें डिटेल भी रखा है, आपको सिम्टम वगैरह है कि नहीं वो ज़रूरी नहीं है आप भरें ना भरें, पर बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ इसके अंदर आपको भरनी होती है। आज हम आपको कोविड सैंपल लेने से लेकर वायरल आरएनए सैंपल निकालने तक और फिर पीसीआर प्रोसेस होने से लेकर रिपोर्ट बनने तक की पूरी प्रक्रिया दिखाने वाले हैं। जिस कोरोना लैब में हमारे संवाददाता पहुंचे, वहां पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का प्रावधान था। रजिस्ट्रेशन के बाद हम वहां पहुंचे जहां सैंपल लिया जा रहा था। यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद आपका बुकिंग का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद नाम से बुलाया जाता है। जिस तरह से अलग अलग बूथ बने हुए हैं, दो बूथ बने हुए हैं और बूथ को हमने बाहर रखा है ताकि जिस तरह से हम कहते हैं कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग ठीक से मेंटेन की जाए और सभी तरह के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को फॉलो कर लिया जाए। इस प्रकार यहाँ पर उनकी डिटेल आ जाती है और आप ये देखेंगे कि बूथ बना हुआ है, इस बूथ के अंदर जो सैंपल लेते हैं टेक्नीशियन वो बैठे रहते हैं पूरे प्रोटेक्शन के साथ। उसके बाद आप ये देखेंगे इस बूथ में जिस तरह से ये दो राउंड ये बने हुए हैं, यहाँ से ये टेक्नीशियन सैंपल लेंगे, ये दोबारा से पेशेंट्स का नाम वगैरह पूछते हैं और उनकी डिटेल फिर से कंफर्म करते हैं। और जैसा कि आरटीपीसीआर के अंदर देखा जाता है, आपके नाक के थ्रू सैंपल लिया जाता है जिसको हम नेजोफेरिंग सैंपल लेते हैं। ये इस तरह की एक स्टिक होती है, जैसे ईयरबड्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऐसी स्टिक होती है, तो मुँह के अंदर से ये सैंपल लिया जाता है और उसके बाद इसी तरह से आपके नाक से भी सैंपल दिया जाता है एक अलग स्टिक से, नेजोफेरिंग्स जैसे हम मरीज को कहते हैं कि वो जिस तरह से अपने फेस को थोड़ा सा टिल्ट करे और उस तरह से फिर इसमें ये देखिए अभी जैसे हमने इनके मुंह में से लिया था ऐसे इनके नोज़ में से सैंपल लिया जाता है। और उसके बाद ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर जैसे एक फ्लूइड है इसमें इसको रख दिया जाता है और फिर इसको एक ये जिप लॉक है इसमें पैक कर दिया जाता है और एक आगे जो आप देख रहे हैं ऐसा ये बॉक्स होता है, इसको हम ट्रांसपोर्ट बॉक्स कहते हैं। इसमें पैक होने के बाद सैंपल्स लैब के अंदर चले जाते हैं। कोरोना का सैंपल लेने के बाद शुरू होता है लैब प्रोसेस। यहाँ जरा सी असावधानी लैब टेक्नीशियन से लेकर वहाँ काम करने वाले हर इंसान को इन्फेक्टेड कर सकती है, इसलिए काम बहुत सावधानी से किया जाता है। सैंपलिंग के बाद रिपोर्ट तैयार होने तक एक प्रोटोकॉल है जिसे 100% फॉलो किया जाना बहुत जरूरी है। अब हम आ चुके हैं लैब के अंदर और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से जो सैंपल बॉक्स में कलेक्ट करके रखा गया था उसे कहाँ लेकर लैब में जाया जाता है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग कैसे होती है और किस तरह से वो आरटीपीसीआर की जो मशीन है वहाँ तक पहुँचता है और कैसे रिपोर्ट तैयार होती है। सबसे पहले सेक्शन हम आपको बताना चाहेंगे, जब लैब के अंदर हम पहुँचे हैं तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे सैंपल रिसीविंग एरिया। जो सैंपल रिसीविंग एरिया है उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद मास्टर मिक्स रूम क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, एक्सट्रैक्शन रूम क्या होता है, डोनिंग रूम, डॉफिंग रूम और पीसीआर रूम। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे सैंपल रिसीविंग एरिया। सैंपल रिसीविंग एरिया से हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले जो सैंपल आया सैंपल यहाँ इस सेक्शन में पहुंचता है जहां पर सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। और सैंपल आखिर कहां जाता है इसके बारे में अवधेश हैं जो इस लैब के सुपरवाइज़र हैं, जो पूरी लैब का काम काज देखते हैं, आखिर क्या कुछ प्रोसीजर होता है अवधेश बताएंगे हमें। अवधेश जी आपसे जाना चाहेंगे, News24 पे स्वागत है आपका। लैब में हम आ चुके हैं, सैंपल यहाँ तक पहुँच चुका है, अब सैंपल कहाँ जाता है, क्या कुछ प्रोसीजर होता है इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए दर्शकों को भी। जी बिल्कुल, जैसे हमारे पास सैंपल आता है, सैंपल आने के बाद यहाँ पे एंट्री होती है, एंट्री होने के बाद हम सैंपल को यहाँ पास बॉक्स से अंदर हम सैंपल रिसीविंग एरिया के अंदर दे देते हैं। जी, वहाँ सैंपल जाके फिर हम उस सैंपल को सॉफ्टवेयर पर रिसीव करते हैं। कोविड लैब में अलग अलग रूम थे जहां सिर्फ वही जा सकते थे जो इस काम में एक्सपर्ट थे, वो भी पूरी तरह पीपी किट पहनकर और हर एहतियात बरतते हुए। लेकिन हमने लैब एक्सपर्ट्स की मदद से उन रूम्स में जाने का फैसला किया
जिससे आपको बता सकेगी आखिर कोविड रिपोर्ट तैयार कैसे होती है। सबसे पहले देखिए कि इस लैब में कौन कौन से रूम हैं। ये रूम है सैंपल रिसीविंग एरिया, मास्टर मिक्स रूम, एक्सट्रैक्शन रूम, डोनिंग रूम, डोफिंग रूम, पीसीआर रूम। कोविड सैंपलिंग बूथ के आगे लैब में हमें टेस्टिंग लैब के सेक्शन सुपरवाइजर डॉक्टर अवधेश राघव ने गाइड किया। अवधेश बताइए, पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कितने स्टेप में होता है और उसके बाद तब जाकर रिपोर्ट तैयार होती है? जी बिल्कुल, सैंपल जब हमारे पास लैब में रिसीव होता है उसके बाद हम सैंपल को एक्सट्रैक्शन के लिए भेजते हैं जी। सैंपल को रिसीव करने के बाद एक्सट्रैक्शन के लिए भेजते हैं जी। उसके बाद हम उसका एल्यूशन निकाल के जिसमें कि वायरल आरएनए होता है उसको हम टेम्पलेट एडिशन रूम में पास बॉक्स के थ्रू भेजते हैं। उसके बाद हमारा मास्टर मिक्स वहाँ बना हुआ रेडी रहता है, उसमें हम टेम्पलेट एडिशन को ऐड करके जो भी वायरल आरएनए होता है उसको ऐड करके उसको हम पीसीआर के लिए फिर लेके जाते हैं। पीसीआर पे ले जाने के बाद उसका प्रोसीजर होता है जो कि 1.5 घंटे के करीब का होता है। उसके बाद हमारे ग्राफ्स आते हैं, उनको डॉक्टर हमारे एनालाइज करते हैं, ग्राफ को देखते हैं, उनकी रिपोर्टें बनाते हैं। उसके बाद फिर हमारा रिपोर्टिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, वो उसको रिपोर्ट को एलआईएस में जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम फीड करते हैं। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें रिपोर्ट फीड की जाती है। पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रिपोर्ट होती है उसको हम फीड करते हैं। सैंपल को सबसे पहले डोनिंग रूम एरिया में पहुंचाया जाता है। किसी को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो इसके लिए यहाँ पीपीई किट पहनना जरूरी है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टाफ का सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। जैसा कि अभी कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोविड के बढ़ने के बाद अभी हम सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं स्टाफ का। एज पर हम गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल्स हैं उसके ही हिसाब से हम सारा सेफ्टी का हिसाब रख रहे हैं, पूरा पीपीई वगैरह पूरा पहना के स्टाफ को, तभी वो लोग काम करते हैं। और अंदर रूमों में जाना अलाउ नहीं होता है, एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए भी स्टाफ को चेंजेस करने पड़ते हैं। डोनिंग रूम एरिया के बाद हम लैब के एक्सट्रैक्शन रूम एरिया में गए। यहां सैंपल से वायरल आरएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सैंपल रिसीविंग के बाद जी फिर हम यहाँ डोनिंग रूम एरिया में हम जा रहे हैं अंदर जी। ये बेसिकली डोनिंग रूम एरिया है जी। यहाँ पे जो भी टेक्निकल पर्सन जाता है जी वो पीपी किट पहनते हैं जी। यहाँ पे पीपी किट पहन के जी तब वो अंदर यहाँ से एक्सट्रैक्शन रूम में जाते हैं जी। यहाँ एक्सट्रैक्शन रूम में सैंपल आते ही, इस वक्त हम एक्सट्रैक्शन रूम एरिया में आ चुके हैं जी जी। यहाँ हमारे टेक्निकल पर्सन हैं जी, जो भी कोविड का सैंपल आया है जी उसका वो सैंपल का वायरल आरएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं जी। यहाँ सैंपल वायरल आरएनए एक्सट्रैक्ट होने के बाद जी ये वो जी बायो का हमारा सिस्टम है जी, ये वाला जी। इस सिस्टम में हमारे में सैंपल वायरल आरएनए एक्सट्रैक्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे हम सैंपल वायरल आरएनए को निकाल के यहाँ एक और पासिंग बॉक्स है। लैब में हमने देखा कि एक एरिया से दूसरे एरिया में सैंपल ट्रांसफर करने के लिए सेफ्टी कैबिनेट बने थे। सारा काम इन्हीं सेफ्टी कैबिनेट के अंदर किया जा रहा था। जब जब लैब टेक्नीशियंस को सैंपल खोलने की जरूरत हो रही थी वो सेफ्टी कैबिनेट में ही सैंपल खोलते हैं। एक बार फिर से हमें बताना चाहें, ये जो सैंपल था जो रिसीव किया गया वो सैंपल इस जहाँ पर ये मैम बैठी हुई हैं जो टेस्ट कर रही हैं, हाँ जी, यहाँ तक पहुँचा जी, ये क्या कुछ होता है, ये किस तरह के ये जो टेस्ट किया जा रहा है क्या इसे टेस्ट को कहते हैं और क्या कुछ कर रही हैं? जी हाँ, ये सैंपल जैसे हमारे पास आता है पहले तो हम सैंपल को बड़े ही सावधानी से अंदर बायोसेफ्टी कैबिनेट के रूम में खोलते हैं जी, ताकि कोई कंटामिनेशन वगैरह जी कुछ ना हो जी। उसके बाद हम सैंपल को जो एक्सट्रैक्शन किट की और ट्यूब वो होती है कार्टेज होती है जी, उसमें सैंपल को ऐड किया जाता है जी। उसमें और भी उसके बफर और रीजेंट्स वगैरह होते हैं जी। उसके बाद सैंपल को हम उस कार्टेज को इसमें ये इस मशीन को क्या बोलते हैं, इस मशीन को एक्सट्रैक्शन सिस्टम बोलते हैं जी। अब हम लैब के उस एरिया में पहुंचे जो लैब का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। इस जगह का नाम है मास्टर मिक्स रूम। अब एकदम आसान भाषा में समझिए कि मास्टर मिक्स रूम क्या होता है और उसमें क्या होता है। क्योंकि सैंपल बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, क्या कुछ होगा आगे इस प्रोसीजर के बारे में बताइए जी। बिल्कुल,
इसमें हम आपको टेम्पलेट एडिशन रूम दिखाएंगे और मास्टर मिक्स रूम दिखाएंगे, जहाँ पे हम रीजेंट बनाते हैं PCR के लिए, और वहीं पे हमारा टेम्पलेट ऐड होता है जो कि हमने वायरल RNA वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था। आइए हम आपको दिखाते हैं जी। ये देख सकते हैं मास्टर मिक्स रूम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जी। ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है जी। इसमें हम पूरा जो भी PPE होता है, लैब कोट, सू कवर्स वगैरह पहन के अंदर जाते हैं जी। ये हमारा मास्टर मिक्स रूम है, यहाँ पर मास्टर मिक्स बनाया जाता है जी। ठीक है, मास्टर मिक्स रूम इसके बारे में थोड़ा आसान शब्दों में दर्शकों को अगर समझा सके क्या होता है ये काम जी। बिल्कुल, मास्टर मिक्स रूम हमारे पास किट आती है, अलग अलग कंपनीज की किट होती हैं, अलग अलग टेस्ट के लिए होती हैं। फिलहाल अभी हम कोविड के बारे में बात कर रहे हैं जी। तो उसकी किट आती है, उसमें प्राइमर, मास्टर मिक्स जो होते हैं वो सारे मिक्स किए जाते हैं जी। वो मिक्स करने के बाद पूरा उसका उसे मास्टर मिक्स बनता है, इसीलिए इसको मास्टर मिक्स रूम बोलते हैं। मास्टर मिक्स रूम से सैंपल टेम्पलेट एडिशन रूम की तरफ बढ़ता है और यहाँ से एक्सट्रैक्शन सिस्टम मशीन का प्रोसेस शुरू होता है। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इन्होंने लेकर आया सैंपल, ये सैंपल क्या है, ये मशीन क्या है, इसके बारे में भी बताइए जी। अभी तक आपने जो भी देखा वहाँ पे हमारा टेम्पलेट और मास्टर मिक्स मिक्स हो चुका था, अभी ये PCR के लिए रेडी है। अभी हम इसको यहाँ पे PCR में ट्यूब्स को लगाएंगे, ये पूरा सेटल किया जाता है इसमें जी। उसके बाद इसका हम डोर बंद कर देंगे जी। जी, और उसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमारा एक प्रोटोकॉल बना हुआ है PCR के लिए, जो किट इंसर्ट के अकॉर्डिंग होता है जी। उसको हम रन करते हैं इस PCR मशीन पे। क्या कहें कि ये मशीन बहुत ही अहम है, निगेटिव आएगी रिपोर्ट या पॉजिटिव आएगी उसको लेकर, और ये मशीन एक साथ कितने सैंपल की रिपोर्ट बता सकती है या निकाल सकती है? जी बिल्कुल, इसमें हम एक बार में 96 सैंपल प्रोसेस करते हैं, तो उसमें हमारे कुछ कंट्रोल्स भी होते हैं और बाकी हमारे सैंपल्स होते हैं जो हम इसमें प्रोसेस करते हैं। जैसे कि अब क्या होने जा रहा है, मशीन बंद हो गई, सैंपल को अंदर रख दिया गया? अभी ये मशीन बंद हो चुकी है, अब इसके बाद हम यहाँ पे इस मशीन का, इसमें प्लेट और नंबरिंग इसकी कर ली गई है जी। उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे जी। स्टार्ट करते ही ये प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाएगा जी, और ये अपना PCR का जो भी प्रोसेस है जी वो स्टार्ट हो जाएगा। ये फाइनल स्टेज पे हैं हम इस वक्त कहें तो जी, ये आपकी फाइनल स्टेज है। यहाँ पे आप PCR रन करते हो, इसके बाद जो भी आपके ग्राफ्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं जी। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर, रिस्पेक्टेड डॉक्टर होते हैं, वो उसको रिजल्ट को एनालाइज करके उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। आज जिस एक्सट्रैक्शन सिस्टम मशीन को देख रहे हैं इसमें 9 मिनट में 32 सैंपल की जांच हो सकती है, लेकिन ये एक छोटी मशीन है।